हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बचे हुए कपड़े से बेबी पटियाला यानी बच्चों के पटियाला सलवार, जो कि बेहद आसान तरीके से बताऊँगे और एक एक पॉइंट समझाऊँगे। तो जैसे हमारा ये कपड़ा है, सूट का कपड़ा बच जाता है, कुछ भी आप बनाते हैं, साड़ी से लहंगा बनाते हैं, जो भी, तो आपका कपड़ा बच जाता है तो बच्चों का पटियाला बहुत ही खूबसूरत बनता है। जैसे एक महीने से लेकर एक साल, दो साल, तीन साल तक के बच्चों को आप बना सकती हैं। तो ये हमारा जैसे कपड़ा बचा हुआ, तो इसको बताऊँ कि इसमें निशान लगाऊंगी तो आपको दिखेगा नहीं बराबर, क्योंकि डिजाइन है। आप डिजाइन वाले कपड़े हों, कलरफुल जैसे भी आप कटिंग कर सकती हैं। मैं ये प्लेन कपड़े में बताऊँगी जिसमें आपको चौक का निशान लगाऊं तो बराबर दिखे। तो जैसे मेरा ब्लाउज पीस है, इसमें से बताऊँगी तो कपड़े क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से कपड़े को बिछा लेंगे डबल करके। जैसे ब्लाउज पीस ये देखिए, खुला वाला भाग हम बाहर की तरफ रखेंगे और बंद वाला भाग अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे डबल। जैसे एक फोल्ड ये और चौथाई फोल्ड ये, एक एक पॉइंट समझिए और शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो देखिए ताकि पूरा समझ में आए आपको किस तरीके से निशान लगाना। आप देखो हमारा ये चार फोल्ड हो गया, एक दो तीन और ये चार, चार फोल्ड हो गया। अब बराबर इसमें हम क्या करेंगे, जो ये वाला कोना है देखिए, ये वाले कोने को पकड़ करके इस तरीके से हम यहाँ से लेकर के इस पर मिला देंगे। इस तरीके से आप घड़ी कर लेंगे। और जी हाँ, बता दूँ, शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि किस तरीके से कटिंग होती है। बहुत ही खूबसूरत बच्चों के ऊपर लगता है पटियाला सलवार। जैसे आप ऊपर का टॉप के ऊपर नीचे पहना सकती हैं। अब देखिए हमारी ये लंबाई, जैसे हमारी कितनी है, ये 15 इंच। जैसे आपके बेबी की लंबाई पूरी देख ले, मैं बेबी छोटा बेबी है, 15 इंच की लंबाई ले रही हूँ और 15 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगा ले हैं ये, और 15 इंच पे ये निशान, 15 इंच पे निशान। अब देखियो यहाँ से लेकर के यहाँ पे इसको पूरी गोलाई दे देंगे, इस तरीके का फैला देंगे। बहुत ही आसान है, एक एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है बस। और इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे, ये कट गया। ये कपड़ा भी हम इसको काम में लेंगे तो एक तरफ रख देते हैं। अब देखो इस तरीके को बताऊँ कि जैसे ये वाला भाग हम, ये जो है हम इस तरीके से खोल लेंगे ये। अब खोलने के बाद ये जैसे हम ये जो हमारा खुला वाला भाग है ये बाहर की तरफ रखे हुए हैं और ये बंद वाला भाग जो अंदर की तरफ है। अब देखो इसको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में बराबर, देखिए ये जो हमारा बंद वाला भाग है इस तरफ, इधर से हम कटिंग करेंगे। तो इधर से कटिंग करने के लिए मैं आपको बताऊं कि क्या निकालना है हमको। सबसे पहले बेबी का यहाँ से जैसे आसन, तो हम बेबी का आसन पूरा कितना लेते हैं बच्चों के लिए, 8 इंच का। और आपका बेबी थोड़ा हेल्दी हो तो आसन और भी ले सकती हैं, वैसे 8 इंच का। जैसे 8 इंच ये देखिए, 8 इंच का आसन लेंगे यानी कमर की पट्टी। तो ऊपर की पट्टी हम जो लेंगे जो पूरा आसन, तो ऊपर की पट्टी लेंगे कितनी, 3 इंच की, जिसमें हम सल भरेंगे। और ये नीचे आसन वाला भाग लेंगे कितने, 5 इंच का। तो इस तरीके से 3 इंच यहाँ से बढ़ाते हुए आप और ये 8 इंच पे निशान लगा देंगे, देखिए। अब मैं बताऊँ कि ये निशान लगाने के बाद में 3 यहाँ पे लिए, 3 इंच पे यहाँ पे भी निशान आप लगा देंगे। बस ध्यान रहे कि आपको ये बंद वाले भाग पे निशान लगाना है, खुले पे नहीं लगाना है। अब ये निशान पे देखिए, यहाँ से इस तरीके से कुछ 1 इंच का जैसे हम ये निशान लगा दें और इस 1 इंच से यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देना है। शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट समझिए। और ये इधर से देखिए जो कोना आ गया हमारा, कि इसको हल्की सी आपको गोलाई दे देनी है, ये गोलाई दे करके अब इसको कटिंग कर देंगे। बेहद सरल तरीके का है, ये कटिंग कर देंगे। अभी हम कट करके निकाल दिए। कटिंग करने के बाद बताऊँ मैं आपको कि जैसे अभी ये वाला भाग जो हमारा बचा ये, तो इस पर हम क्या करेंगे कि इस पर 2 इंच पे ये निशान लगाएंगे, 2 इंच पे ये और 2 इंच पे ये। अब 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से कुछ देखिए मिला देंगे ये। अब मिलाने के बाद में इस कोना को भी हम निकाल देंगे, ये कोना निकाल दिए। अब इसको निकालने के बाद बता दूँ कि इसको इस तरीके से आप खोल लेंगे ये।
खुल गया हमारा, जो ये सलवार जो ये खुल गया। अभी खुलने के बाद बताओ कि यहाँ पे ये जो हमारा ये बंद वाला भाग है इसको हम पूरा इस तरीके से निकाल देंगे। ये हमारे हो गए दो भाग। अब इसको बताऊँ फिर से, दो भाग हो गए तो इसको अब अभी इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अभी फोल्ड करने के बाद बताऊँ ये कि ये जो हमारा ये कपड़ा जो बचा हुआ रहता है इस वाले कपड़े से, आपके पास यदि कोई ऐसा कलरफुल कपड़ा हो दूसरा हो उसका, ये और कोई वाइट कलर का जैसा भी शेड ऊपर का टॉप हो उस कलर का ही कपड़े आप ले सकती हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले कमर की पट्टी। तो जो हमारा जैसे ये वाला कपड़ा है, ये कम कपड़ा बचा हुआ है, कमर की पट्टी निकालना है। तो जो हमारी ये साइड के कपड़े, ये चार टुकड़े बचे हुए हैं, इसको एक तरफ रख देती हूँ। ये देखिए जैसा हमारा ये कपड़ा है, अभी इसको हम कमर का भाग निकालेंगे। तो कमर के भाग निकालने के लिए हम कितना रखे थे कमर की पट्टी, 3 इंच की। तो 1 इंच हम ज़्यादा लेते हुए मार्जिन, क्योंकि हम उसमें डालेंगे लास्टिक, तो 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए आप इस तरीके से यहाँ से देखिए इतना हो गया, 4.5 इंच का ये कपड़ा लिए। और यहाँ पे बता दूँ यहाँ से भी, जहाँ 4.5 हो यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से ये। और जैसे कम कपड़ा है तो आप यहाँ से भी इस तरीके से रेप करके ले सकती हैं, क्योंकि ये जोड़ने के लिए हमारा सही रहता है, कपड़ा पूरा काम में आ जाता है। ये देखिए ये कपड़ा ये निकाल दिया। अब हम इसकी लेंगे कमर की पट्टी। ये देखिए अब ये हमारा जो कपड़ा है इसको इस तरीके से कुछ आप जोड़ सकती हैं, छोटा कपड़ा हो तो इस तरीके से, और यदि आपके पास बड़ा कपड़ा है तो ये रेप ना करके सीधा कपड़ा भी आप मिला करके, ये देखिए इस तरीके से मिला लें, ये जोड़ लें। ये हमारी कमर की पट्टी है, ये हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं बताऊँ आपको कि अब ये कप पट्टी को इस तरीके से रखें कमर वाले भाग में, ये देखिए। और ये वाला जो कपड़ा हमारा ये कटा हुआ है इसको आप इस तरीके से रखें। अब मैं बताऊँ कि जैसे ये वाला भाग है हमारा, इस पर आप लगा लें निशान। तो निशान जैसे कमर की पट्टी में आप सिलाई लगा लें, सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। तो यहाँ चौथाई पे चार यहाँ निशान लगा लें, यहाँ निशान लें, और कुछ इस तरीके से करके यहाँ भी निशान लगा लें, यानी सेंटर पॉइंट पे। और इसमें भी इस कोने पे निशान लगा लें, ये सेंटर पॉइंट पे बीच पे भी निशान लगा लें, और इस कोने पे भी निशान लगा लें। अब सल भरने के लिए बताऊँ कि जैसे ये वाला भाग है ये यहाँ पर रखें ये कपड़ा, और ये इस तरीके से सल भरती हुई देखिए, इस तरीके से सल भरें, ये डबल करते हुए पीछे का भाग पीछे है, आगे का भाग आगे है, इस तरीके से देखिए सल भर भर के यहाँ तक का आप मिला दें। ये अब ये कपड़ा जो है हमारा देखिए कितना खूबसूरत आ गया। ये कुछ इसी तरीके का यहाँ से भी आप सल उधर यहाँ से भरी हैं तो इसको इस तरीके से भरें। अब ये भरने के बाद बताऊँ इसको, अब मैं एक तरफ करके अब इसको बता दूँ कि ये सिलने का तरीका, ये जो है हमारा ये कपड़ा है ये, इसको आप दो भाग करके बराबर कर लें और लगा दें मोहरी इस तरीके से, 2 इंच का। जैसे हम 2 इंच की कटिंग करें तो 2 इंच का कपड़ा लगा के ये हमारा हो गया मोहरी का भाग। एक मोहरी यहाँ यहाँ पे लगाएं और एक मोहरी यहाँ पे लगाएं। तो इस तरीके का ये कटिंग करने का तरीका है। और मैं बताऊँगा कि सिलाई करते किस तरीके से हैं, तो चलिए सिलाई करने का तरीका बताऊँ मैं आपको। मैं आपको बता रही हूँ सिलने का तरीका, तो कुछ तरीके से सिलाई लगाते हैं, बस एक एक पॉइंट समझिए, शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो देखिए। जी हाँ बता दूँ, आप यदि मेरे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अब देखिए जोड़ने का तरीका बताऊँ कि हमारे ये कपड़ा है, तो सबसे पहले हम इसे खुला वाला भाग देखिए इस तरीके से हम कटिंग किए हैं। अब इसको इधर से बाहर तरफ से जहाँ से हमारा ये राउंड है इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। मैं सिंगल सिलाई लगाऊंगी, आप इसको डबल सिलाई, मजबूत बेबी को बनाए सलवार मजबूत सिलाई लगा लें। बस शुरू से आखिर तक वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट समझिए, और जो भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके क्लियर कर सकती हैं, बराबर डाउट क्लियर करूंगी। और इस तरीके से यहाँ से भी जोड़ लें।
बच्चों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगता है और हमारे कपड़े का उपयोग भी हो जाता है। और यहाँ पे हम ये राउंड दे देते हैं गोलाई थोड़ी सी, तो यहाँ पे म्याने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को, बड़ों को म्याने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप बेबी बड़ा है आपका 4 से 5 साल का है, इतने बड़े के लिए भी बना रही हैं, तो आप यहाँ पर म्याने छोटी सी लगा सकती हैं। यहाँ से कट कर दें यहाँ तक का और यहाँ छोटी सी म्याने लगा दें, या कि गोलाई और थोड़ी ज़्यादा दे दें तो म्याने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बताऊँ कि जैसा ये वाला हमारे कमर का भाग है, इसको भी ये कमर का जो है, यदि मेरे पास कपड़ा टुकड़े में था तो मैं जोड़ ली, अब आपके पास यदि अखंड कपड़ा हो तो आप अखंड कपड़ा भी लगा सकती हैं। आप चाहें तो दूसरे कलर का, जिस तरह का टॉप है उस तरह का भी कमर की पट्टी और नीचे की पट्टी भी लगा सकती हैं। जैसे हमारे नीचे की मोहरी रहती है पैर की, उसमें भी आप दूसरे कलर का लगा सकती हैं। अब जी आप बताओ, इसको डबल कर लेती हूँ मैं, जरूरत हो जाएगा। और जी हाँ बता दूँ, यदि मेरे चैनल में आप नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को सिखाएं, मम्मियों को सिखाएं। इसको भी हम यहाँ से जोड़ लेंगे। और इसको कमर की पट्टी का जोड़ने का बता दूँ कि जैसे हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ से जोड़ते लाएँ। और जैसे ये वाला भाग है जो बीच का, देखो बताऊँ, जो हमारा इधर से ये थोड़ा सा छोड़ के, जो हम ये सर से आधा इंच छोड़ करके और यहाँ पे 1 इंच छोड़ करके, देखिए बताऊँ, निशान लगा लें यहाँ पे, सिलाई छोड़ दें। ये बीच का भाग जो है यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ से हम वो डालेंगे क्या, लास्टिक, इसके लिए हमको जगह छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक का सिलाई लगाएं आप, फिर ये बीच की जगह छोड़ करके सिलाई यहाँ ना लगाएं, इसको इस तरीके से खींच के आधा इंच से यहाँ सिलाई आप लगा देंगे और ये बीच की जगह छोड़ दें। यहाँ पर हमारी ये क्या है कि नाड़ी डलती है, और इसको सिलाई कुछ इस तरीके से लगा दें। बस मेन पॉइंट यही रहता है कमर की पट्टी का, इसको ध्यान रखें। और जैसे ये वाला भाग जो हम जोड़ें, इसको इस तरीके से यहाँ पलटा के एक भाग इधर और एक भाग इधर निकाल दें। कमर बेल्ट का ये परफेक्ट सिलाई है, इसको इसी तरह यहाँ से गोल घुमा करके सिलाई लगा, इस तरीके से सिलाई लग जाती है ये, तो हमारा ये जो क्या है ये हो जाता है। ये यहाँ पे हम लास्टिक डालते हैं। अब इसको ध्यान रहे कि इस ये वाले भाग को ऊपर की तरफ रखना है और जो ये हमारे सिलाई वाला भाग है नीचे की तरफ रखना है। ये बीच में इस तरीके से, ये बीच सेंटर का पॉइंट है, सेंटर का बस ध्यान रहे आपको। इस तरीके से भी नाप लें, ये कितना है यहाँ 6 इंच और यहाँ पर भी ये 6 इंच पूरा हो गया। अब ये इसको है यहाँ पे आप कटिंग चाहे लगा लें या इस तरीके से चौक का निशान लगा लें। कटिंग कर देते हैं तो जैसे कपड़ा छोटा है तो सिलाई लगाने में वहाँ से दूर से लगानी पड़ती है, तो आप कट भी कर सकती हैं, सिलाई भी लगा सकती हैं। और यहाँ पे भी हम सेंटर पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर भी ये कट कर लेंगे। इसमें क्या है कि सिलाई लगाने में हमको बराबर समझ पड़ती है ये। अब यहाँ से हम भरेंगे सल, तो देखिए ये इस तरीके से जो हमारा ये वाला जो वाला भाग है इसको हम रखेंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से कुछ, ये देखिए, और ये वाला भाग रखेंगे नीचे की तरफ। नीचे भी आप निशान लगा सकती हैं कुछ इस तरीके से ये। अब सल भरने के लिए बता दूं कि जो हमारे पॉइंट हैं ये 4 पॉइंट, ये एक, ये तो ये जो हमारे ये निशान है, आप चाहें तो इस तरीके से कट कर लें निशान की जगह, क्योंकि कट करे में आप 4 दिन बाद भी सिलाई लगाएंगे तो हमको समझ पड़ जाती कि यहाँ से हमको सल भरने हैं। तो ये देखिए, ये जो वाला कपड़ा है ये, इसको यहाँ से मिला करके सल, ये पूरे कपड़े की यहाँ तक का सल जो गोल गोल घेरा है यहाँ तक का, यहाँ पूरी इधर मिलाएँगे। आप ध्यान रहे कि यहाँ तक हमको सल भरने हैं इस तरीके से। ये हम कपड़ा रखें, ये देखिए कपड़ा रखें, इसको यहाँ मिला दें। सल भरने का बेहद तरीका, जैसे हम सल भरने का बता दूँ कि सल भरेंगी तो थोड़ा सा सिलाई लगा लें आप एक इंच की जगह पे। बच्चों का है तो थोड़ा सा ही सिलाई लगाएं, बड़ों में ज़्यादा लगाते हैं। अब एक लें, 1, 2, 3
और ये चार 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 गुच्छे का सल चाहें तो भर लें, चाहें तो दो दो। और फिर ये कपड़ा ऊपर रख करके देखिए, ये दब गए हमारे सल, और फिर यहाँ पे सिलाई लगा। इसी तरीके से यहाँ भी सल भरें। इसको उठा लें घोड़े को, एक दो तीन और चार, और इसको दबा दें। ये जो हमारा ये कपड़ा है इसको दबा दें कुछ इस तरीके से, और ये सिलाई लगा दें। फिर भरें, एक दो तीन चार, इस तरीके से पूरे सल आप भर लें। अब देखिए पूरे में सल भर लेती हूँ, फिर आपको मैं दूसरे पॉइंट में बताती हूँ। अभी हमारे सल भर चुके हैं। अब इसको बता दूँ कि अब इसमें लगाएंगे हम बेल्ट, किस तरीके से अब सिलाई लगाना है और किस तरीके से मोहरी करनी है। देखिए इस तरीके से सब ये हमारे पूरे गेयर बल चुके हैं। अब इसमें ये लगाने के लिए बता दूं कि ये जो हमारा यहाँ से जो कहीं से भी बीच का भाग लें, इसको इस तरीके से यहाँ से लाते हुए पूरा ये इसको एक ओपन सिलाई लगा दें ऊपर से। जो हमारे सल है ना, इस सल के ये ध्यान रहे कि ये सल वाला भाग ऊपर की तरफ करें, ऐसे नीचे नहीं, ऊपर की तरफ करके ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ये निशा सिलाई लगा दे पूरी अखंड गोल घेरा में। मैं पूरा यहाँ से सिल के बता देती हूँ, सिलाई लगाऊंगी तो देर लगेगी। बता दी कि यहाँ से सिलाई आप लगा देंगी। ये देखिए ये जो हमारे ये सिलाई जो है, ये देखिए ये वाली है, ये हमारे देखो सल भर गए हैं ये एक बराबर ये। और ये यहाँ पे ये कपड़े को इस तरीके से जो सल है इसको ऊपर करके और फिर यहाँ से सिलाई लगा देना। अब इसको बता दूँ कि इसको आपको बनाना क्या है। तो जो हम ये वाला भाग सिलाई लगाए यहाँ से डालेंगे, लास्टिक या नाड़ी जो भी आप डाल सकती हैं उसको किसी इस तरीके से लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से ले करके ये एक फोल्ड लगाएं, और इसको ये जो हमारे पास सिलाई का भाग है इसको यहाँ से सिलाई लगा दें। देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ से लें, ये बीच से ये ला करके बीच से, और ये और बस ओटती जाएं एक इंच वाले भाग में जहाँ से हमको डालनी है लास्टिक, और सिलाई लगा दें। इस तरीके से आप पूरी सिलाई लगा दें। बहुत सरल तरीके का है और आसान तरीके का है। और मान लो कभी कपड़े आप जोड़ी हैं, थोड़ी बहुत झोल जैसे आड़ा होने लग जाए कुछ भी, तो बीच में सल भर दें ताकि हमारा कपड़ा एक जैसे सिलाई लगे। ये देखिए शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट समझिए। और जो भी डाउट हो आप बराबर मेरे से पूछ सकती हैं, कमेंट करके बराबर डाउट क्लियर करूँगी। और जो भी आपको और वीडियो देखने हो तो आपका अपना बुटीक में जाइए। हर चीज़ की कटिंग बहुत आसान तरीके से बताई हूँ और एक एक पॉइंट समझाई हूँ तो आप देख सकती हैं। और जो भी जिस वीडियो में आपको कुछ लगे तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकती हैं कि कुछ डाउट है तो बराबर डाउट क्लियर करूँगी। यहाँ तक आए देखिए, और इसी जगह से यहाँ ये बाहर आ गए। अब ये हमारा देखिए कितना सुंदर ये। अब बताऊँ कि ये जोड़ने का तरीका, इसको जोड़ने के लिए आप सबसे पहले ये मोहरी है यहाँ पे कपड़ा लगा लेंगे ये मोहरी पे, जिस हमारा ये जो हम कटिंग करके रखे इसको आप इस तरीके से जोड़ लें मोहरी पे। और यदि आपका कपड़े अलग हो, थोड़ा सा ये कपड़ा है दूसरा बचा हुआ, तो आप दूसरे कलर का भी मोहरी की पट्टी लगा सकती हैं, उसमें बहुत ही गेटअप आता है और ख़ूबसूरत लगता है। कमर की और मोहरी की लगा देंगी जिस कलर का आपका बेबी का टॉप हो तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। वो भी जैसा चाहें वैसा आकार दें मोहरी में, चाहें तो यहाँ भी सल भर दें, आपके ऊपर है। बच्चों को तो बेहद खूबसूरत लगता है जितने आप झालर लगाएंगी सल भरेंगी। चाहें तो लेस भी लगा सकती हैं, आपके पास लेस है तो
चाहें तो नीचे मोहरी में झालर लगा दें, जैसे हम पट्टी लगाते हैं इसी की आप झालर भी लगा सकती हैं, जैसा चाहें मन चाहें आकार दें और खूबसूरत अपने बेबी को पहनाएं। बहुत ही खूबसूरत पटियाला लगता है और बेबी यदि चलता है, पैर पैर चलने लग जाते हैं तो और ही सुंदर लगता है। अब यहाँ पे जो कपड़ा बचा है हम इसको काट के निकाल देंगे। देखिए अब इस तरीके से इसको मोहरी को पैक कर दें, बस सिलाई लगाएं, ये वाले भाग को इस तरीके से लगाएं, ये जो हमारा सिलाई का कपड़ा है ये वाला, इसको अंदर कर दें और ऊपर से पट्टी जोड़ दें। इसमें क्या है कि पट्टी जुड़ जाती है तो हमारे ये कुंदे नहीं दिखते और सुंदर लगता है। यहाँ से बचा हुआ कपड़े कट करके निकाल दें। चाहें तो आप मोहरी पे भी लास्टिक डाल दें यदि डालना चाहेंगी तो, आपके ऊपर है कि किस तरीके से। अभी हमारी सिलाई दोनों मोहरी की हो चुकी है। अब आपको यदि मोहरी चौड़ी हो कर दी हो और यदि सल डालना हो तो सल डाल दें, नहीं चाहें तो चौड़ी मोहरी हो तो यहाँ पे आप लास्टिक भी डाल सकती हैं, नहीं है तो यहाँ पे सल भर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, आपके ऊपर है। अब इसको करने से उल्टा इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगा दें। पूरी खाने मैं एक सिलाई लगा के बताऊंगी, आप पूरे में डबल सिलाई मजबूती के लिए ठीक से लगाएं। इसको कर लें सीधा इस तरीके से, बेहद खूबसूरत है ये पटियाला। बच्चों के ऊपर बहुत ही सुंदर लगता है, जब बच्चे हमारे चलते हैं तो ये जो घेर है बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से कुछ आएगा। मोहरी में कपड़े आप यदि दूसरे कलर का लगा देंगी, लेस लगा देंगी, वो भी बहुत खूबसूरत गेटअप देता है। देखिए इस तरीके से कितना खूबसूरत घेर आ गया, ये ऐसा आएगा, ये देखिए दिख रहा होगा वीडियो में। अब इसमें डाल दें यहाँ पे लास्टिक, ध्यान रहे कि लास्टिक ये नरम वाली डालें ऐसी, क्योंकि ज़्यादा मोटी नहीं डालें, जिसमें क्या रहेगा कि ज़्यादा बड़ी डाल दें, बस बेबी का नाप लें इस तरीके से और लास्टिक डाल दें यहाँ से और सिलाई लगा दें। तो यदि सिलने का तरीका, कटिंग करने का प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।